अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अज़ीज़ी व्लॉग। फहीम और मैं चलते हुए जा रहे हैं और मंजिल हमारी कोई नहीं है। किधर चलते हुए जा रहे हैं? ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है, सहारा भी नहीं दिया किसी ने। तो जाना हमने पोस्ट ऑफिस है, पता भी कोई नहीं पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है। यूनिवर्सिटी हम ऑफिस वाई बने हुए हैं। हाँ, नहीं बस जा ही जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी से भी निकले हैं और चल पड़े हैं जी, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। चले हैं तो कट ही जाएगा सफर। हाँ, तो रोड कौन सा है पता नहीं, अभी किस रोड पे हम चल रहे हैं ये रोड का भी कोई नहीं पता। कचहरी वाली रोड पे, यूनिवर्सिटी रोड से अब हम कचहरी वाली रोड पे जा रहे हैं। इधर नर्सरी वगैरह भी है साथ। अब इसको हम लोग नर्सरी रोड ही कह देते हैं कि नर्सरी रोड है ये, लेकिन आसपास बहुत सब्जा है, हरियाली है, बहुत मजे का सीन है। लेट्स वॉच फ्रॉम अदर साइड। जनाब चलते हुए जा रहे हैं और साथ नर्सरी है। दिल तो कह रहा है बंदा यहाँ से दो तीन पौधे उठा के ले जाए घर साथ ही, लेकिन चोरी का गुनाह मिलता है और ज़्यादा मिलता है। हम लोग कराची वाले नहीं मान सकते, जो कि ये सरकारी भी नहीं छोड़ते, जो ये रखे वो भी उठा के कारों में डाल लेते हैं। अगले जहाँ का डर ना होता तो शायद उठा ले। हाँ जी, चलते हुए इस चौक में पहुंचे। अब नाम नहीं पता इस चौक का, नाम क्या क्या नाम है पता है कहीं? रोड कचहरी रोड है, चौक चौक का कहीं पता होता। बस ये पता घड़ी लगी, हम इसको जो है ना वो घड़ी चौक कह देते हैं। घंटा चौक घंटा चौक फैसलाबाद घंटा घर है वहाँ पर। तो इधर हमें घंटा चौक, ये फैसलाबाद लाइट है, फैसलाबाद लाइट है। पोस्ट ऑफिस तो फिलहाल मिला नहीं, TCS ऑफिस मिला है, लेकिन TCS से हम लोग ये बहुत महंगा है, अच्छा ये हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है, बल्कि हम इसके स्टैंडर्ड के नहीं है। इधर से हमारी पोस्ट जानी है 350-400 रुपये में, उधर से हमारा 190 रुपये, 100 या 120 मैक्सिमम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। हम लोग पहुँचे हैं जी GPO चौक, और GPO चौक मतलब उसके पास ही है पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस। तो वहाँ चलते हैं। TCS का तो क्या, बाइक पे होते थे तो पता ही नहीं लगता था, ऐसे लगता था साथ है, लेकिन अभी दिल में यही कह रहा था यार साथ है चलते चलते, अब चले हैं तो लग समझ गई है, काफी लग रहा है 10-15 किलोमीटर बंदा चल के आ गया, ये हालात लग रहे हैं फिलहाल। जो है वो GPO चौक कह रहा हूँ, GPO आ गया हमारा मेन, जो है वो जनरल पोस्ट ऑफिस। इधर गए तो है पोस्ट ऑफिस, हमें था कि शायद कुछ साथ जो है वो शॉप होगी, फोटोशॉप या मतलब कि ये फोटो स्टेट वगैरह करवानी थी हमने, तो वो थी नहीं। उन्होंने कहा जी कचहरी ऑफिस, और सॉरी कचहरी आपको जाना पड़ेगा, वहीं पे कुछ शॉप है वहीं से आपको प्रिंट वगैरह मिलेगा। दुनिया हमें एक प्रिंटर तक का सहारा नहीं मिला। और चलते हुए जा रहे हैं, अब तो गर्मी लगने लगी है, मौसम कुछ चेंज हो तो रहा है, लेकिन धूप आज काफ़ी है, या फिर हम लोग चल जाता रहे इसमें से जो है वो गर्मी लगने लगी है। भी फोटोकॉपी वाली शॉप पे पहुंचे, यहाँ से कोई प्रिंट वगैरह करवाते हैं और फोटोकॉपी भी, तो अक्सर होके हमने करवा ही ली है, और भूख शदीद लगी है, चल भी काफी देर से रहे हैं। अब पेट पूजा फिर उसके बाद डाखाने वाला काम दूजा। फिर वो करेंगे जाके। हम लोग फिलहाल इधर ये कचहरी में ही है, ये फैसल हाल है तहसील काउंसिल में। तो अरे लेट्स चावल वगैरह खाने लगे हैं, गुजर के जा रहे हैं ये सरगोधा आर्ट्स कौंसल कल्चरल कम्प्लेक्स, उसके पास से वो यहाँ पे फहीम साहब ने जो औलाद बना दी, औलाम इकबाल का शेर है ना, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, तो यहाँ पर हमारे जो औलाद हुए पड़े हैं दश्त तो दश्त हैं चौक भी ना छोड़े हमने, खाने के चक्कर में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दरअसल ये रोड इस तरह के इधर चौक याद नहीं होते, कौन सा चौक किधर है, वो बंदा उस चौक में पहुंच जाता तो याद आता यार इससे आगे है, इससे आगे। तो इसलिए ये मसला ये बात है कि हम यूनिवर्सिटी रोड से निकले हैं, अगला अगला चौक करते करते अब कचहरी चौक में आ गए हैं। कचहरी चौक में आ गए हैं, मेन पहले हम लोग गए थे GPO चौक, उससे कहा जी अगले चौक में है जी, वहाँ से आके फोटो कापी कर रहे हैं। सबसे पहले हम गए पिज्जा क्लब वाले चौक में, उसके बाद फिर कमलम चौक पे गए हैं, फिर GPO चौक गया तो उधर पेंटे की सहूलत मौजूद नहीं थी, फिर हम आया इधर कचहरियों में, अब कचहरियों में भी आ गए हम जा रहे हैं चौक में। दिलीप चावल पूजा हो गई है और दूजा काम अब जो है वो करने जा रहे हैं, और पहले हम आए थे कचहरी रोड से, अब जा रहे हैं जेल रोड से, और अब दुआ करो जलालत का कोई मूड नहीं है फिलहाल। बस
वैसे खाने के बाद आप और ज्यादा दिल नहीं चाह रहा चलने का। लेकिन ये है कि अभी अगर वो काम हो जाता तो फिर जो है ना कुछ तो एनर्जी मिल जाएगी यार, काम अपना हो गया तो जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां से पकड़ेंगे बस और सीधा जाएंगे घर। एनटीएस का ऑफिस भेजना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी डालते हैं उसके अंदर और उनको देते हैं और भिजवाते हैं। अखीर दलालत हमने जो है वो पोस्ट कर दी है, रसीदें हमें मिल गई हैं कि ये लो जी आपकी पोस्ट है, ये आपकी जो है ना दो दिन बाद उनके मुंह पे मारी जाएगी। और अखीर दलालत का मकाम और अपने आप को लानत देने का तब दिल किया जब पता लगा यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ऑफिस है। हमने समझा वहाँ से ख़त्म हो गया, बना ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जगह चेंज की थी तो बहरहाल जो भी है अच्छा पता चल गया। नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ना मतलब वही सारे काम करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बस पकड़ने की, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए बसें तो जो है वो हम लोग मिस कर चुके हैं, दोनों की बसें निकल गई हैं। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी जाते हैं और 4-10 वाली बस पकड़ेंगे फिर जाएंगे घर। बस भी निकल गई और हमारी भी बस हो। यूनिवर्सिटी तो हम लोग आ गए थे फिलहाल है क्लास में, तो कुछ एक छोटा सा शॉर्ट सा ड्रामा जो है ना वो शूट हो रहा है, वो है शादी के मुताबिक। डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड मेन एक्टर। डायरेक्टर मैं हूँ तो कैमरा मैन भजन कर रहे हैं जी, हमने क्या कुछ करना है कैसे करना है शूट, शूट है जी शादी के मुताबिक। फहीम चाहता है जी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, तो उसामा से अपना दुख जो है ना वो शादी का शेयर करता है, तो ये हम जो है शूट कर रहे हैं। क्या कौन रहे सीन ये हुआ है कि अंकल जो है वो रूम बंद करने वाले आ गए हैं, टाइम ओवर हो गया तो जाते हैं बाहर ग्राउंड में और बाकी सारी बातें और चीज़ें वहाँ पर। तो ये मैं मेन कॉरिडोर से गुजर के जा रहा हूँ, ये जा रहे हैं वो नमूने। ये अब हम ग्राउंड में आ गए और प्लानिंग कर रहे हैं जी अभी रिकॉर्डिंग हमने कैसे करनी है। तो अभी उसामा उसको कह रहा है कैसे वहाँ पे जाके बैठते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो सारा सीन चल रहा है और अजान का टाइम भी हो गया, अभी शुरू हो रही है लेकिन बंद कर देंगे रिकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे समझा पाऊँ तो समझ नहीं रहा सर बात को, बैठना तो बड़ा आया मुझे समझाने। शूट वगैरह हो गया था कंप्लीट और मैं अब हूँ बस में जा रहा हूँ घर, और बस आज के लिए इतना ही। जो है आप लोगों ने देखा कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह व्लॉग आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो पहले थोड़ी सी रूटीन है ख़राब से रही है, लेजीनेस रहा है, तो उम्मीद आज की वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।